हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस यूजिंग स्क्रीनर। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको स्टॉक ढूंढने में जो प्रॉब्लम आती होगी आज वो सॉल्व हो जाएगी। ये जो हम जिस टूल की हम बात कर रहे हैं वो है screener.in। फ्री है, एक तरह से आप नॉर्मल लॉग इन कर लेना अपने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से। एंड अब जैसे मुझे स्टॉक्स ढूंढने हैं, मैं स्विंग ट्रेडिंग करनी है या मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो मुझे उसके फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि स्टॉक सही है कि नहीं सही है। लेकिन अब इशू ये आते हैं कि हमें नॉर्मली स्टॉक पता नहीं चल पाते। न्यूज़ चैनल या आप मनी कंट्रोल देख लो या कोई भी फाइनेंशियल वेबसाइट देख लो, उससे हमें पता नहीं लग पाता। तो ये सबसे अच्छा टूल है जिसको मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ और करता रहूँगा आगे भी। तो देखो, अब इसमें बहुत सारे स्कैनर्स बने हुए हैं। स्क्रीन पर आप जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारे स्क्रीन्स बनी हुई हैं कि आपको किस तरह से क्या स्कैन करना है। जैसे लोन 10 ईयर एवरेज है, ये पॉपुलर कुछ है यहाँ पे, जैसे मैजिक फार्मूला है, कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो है, प्राइस वॉल्यूम पर है, कुछ क्वार्टरली रिजल्ट पर हैं, कुछ वैल्यू स्क्रीन पर हैं, ऐसे ही यहाँ पे बहुत बने हुए हैं जो प्री डिफाइंड है। आप अपने भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम प्री डिफाइंड पर देखते हैं किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं उनका। चलिए देखते हैं, सबसे पहले डेप्ट रिडक्शन वालों को देख लेते हैं। तो जैसे ये है, इसने हमें कितने सारे स्टॉक दे दिए, इसने हमें दे दिए अराउंड बहुत स्टॉक दे दिए, मतलब पेजेस भी हैं इसमें 220-225 फर्स्ट पेज पे स्टॉक्स ने दे दिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके इन स्टॉक्स को देखेंगे या फिर हमें इसको मॉडिफाई करना है। अगर आप देखोगे इस क्वेरी देखोगे, यहाँ पर एक क्वेरी है, इसने लिखा है डेप्ट 3 ईयर का एंड ग्रॉस ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाई 1.2 ग्रॉस ब्लॉक प्रोसीडिंग ईयर, मतलब पिछले साल की से 1.2 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक तरह से मतलब 20% हायर होगा, देन उसको हमें निकालना है। आप यहाँ पर अपने मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे प्राइस लिख सकते हैं ग्रेटर देन 100 हो गया ऐसा कुछ। और सेम इसको आप हिट करेंगे रन क्वेरी एंड देन उसको आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग। हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं डिफॉल्ट एंड हम एक ही करके देखते हैं। चलो सबसे पहले नंबर पर जो है उसी को देख लेते हैं, नॉर्मल एनालिसिस ही कर रहे हैं। तो हाँ जी, तो इसमें आप देखो आपको यहाँ पर ही सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, उसका करंट प्राइस कितना है, डिविडेंड यील्ड कितनी है, फेस वैल्यू कितनी है, उसके बारे में मिल जाएगा कि इस पर ये किस सेक्टर में काम करती है, क्या ये कंपनी एक्चुअली में। की पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, आपको नॉर्मली जो चार्ट आप देखोगे, आप कहेंगे गूगल पर जाओगे या मनी कंट्रोल पर जाओगे, आप अपने ब्रोकर पर जाओगे चार्ट देखने के लिए, आप चार्ट यहीं पर देख सकते हो कि किस तरह से इसका परफॉर्मेंस रहा है। एंड उस चार्ट पर आप अगर 50 DMA 200 DMA आप लगा के भी देख सकते हो कि हाँ अभी कहाँ पर वो स्टॉक मूव कर रहा है। ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है वॉल्यूम है, ऐसे ही अब आप देखो सबसे बेस्ट थिंग इसकी ये है कि ये प्रॉज एंड कॉन्स यहीं पर बता देता है कि रिड्यूस डेप्ट खड़ा है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, उसके इश्यूज क्या हैं कि वर्किंग कैपिटल हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 27 डेज टू 69.6 डेज, इसके नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर इसने पीयर कंपैरिजन दे दिया है कि और भी इसके जो कंपटीटर्स हैं एक तरह से, वो उनका क्या कंडीशन है, क्या करंट मार्केट प्राइस है एंड सेल्स वगैरह उसने सब दे रखी है, तो आप इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट दे रखे हैं, आपको कोई भी उसके जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं दूसरी जगह कि मैं यहाँ पर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखूँगी या BSE NSE पर जाऊँ, यहीं पर आपको सारे के सारे उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। आप देखोगे जैसे सेल्स है, सेल्स सितंबर 2020 के कंपैरिजन में दिसंबर 2022 में डिक्रीज हुई है, तो कुछ ना कुछ इशू होना चाहिए इस स्टॉक में। तो ये एक तरह से हम अपने एनालिसिस कर लेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एनालिसिस में ले सकते हैं, ये बस मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। चलिए अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे आप तो अब देखोगे मार्च 21 से मार्च 200 में ऑलमोस्ट 10 times हो गया है, तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड अब यहाँ पर आप देखोगे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ एंड CAGR, आप देख रहे हो कि कंपाउंड एनुअल सेल्स ग्रोथ कितनी है 10 years में 105% एंड प्रॉफिट ग्रोथ है 145%। CAGR अभी रिसेंटली लिस्टेड होगा, आई डोंट नो, तो इस वजह से शायद इसका CAGR नेगेटिव में दिखा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी दिखा रहा है 168% इन 10 years, अगर लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है।
ये बैलेंस शीट, बैलेंस शीट अगर आपको पढ़नी आती है तो आप देख सकते हो इससे, और अगर नहीं पढ़नी आती तो कोई बात नहीं, हम आगे कभी फर्दर डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट किस तरह से रीड करते हैं। एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको, कॉर्पोरेट एक्शंस। कॉर्पोरेट एक्शंस में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका, इसके अभी तक क्या क्या एक्शंस लिए हैं इस कंपनी ने, जैसे इक्विटी हिस्ट्री आप देखोगे तो सबसे पहले ये लिस्ट कब हुआ था, ये हुआ था अप्रैल 2021 को IPO आया था इसका, और उसके बाद 2022 में इसने बोनस दिया। आप देखो ऐसे डिविडेंड, देखो डिविडेंड भी इसका अच्छा खासा है, 21 रुपीज़ का था, सडनली इन्होंने इंक्रीज कर दिया 20 रुपीज़। बोनसेस भी कई पार्ट है, एंड ESOP जो एम्प्लॉय ऑप्शंस होते हैं, एम्प्लॉय ऑप्शन प्लान होते हैं जिसमें अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स दिए जाते हैं, उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो आप देख सकते हो, ये भी बैलेंस शीट का ही पार्ट है। रेशियोज देख सकते हो कि किस तरह से इसका ROC ये काम कर रहा है, वर्किंग कैपिटल डेज कितने हैं, इंक्रीज ही हुआ है ROC, ये भी देख सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो, तो वो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स से आप क्या समझ सकते हो, आप सबसे पहले जो भी जिस भी शेयर में प्रोमोटर्स और FII की शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा हो ना, वो स्टॉक हमेशा बेटर रहता है। कंपैरिजन अगर उस शेयर में पब्लिक की शेयर होल्डिंग ज़्यादा है तो आप उसको इग्नोर करो, क्योंकि आप कुछ सोचो, अगर आप कि कोई कंपनी है और आप उसके प्रमोटर हैं तो आप उसमें कब ज़्यादा शेयर रखोगे, जब वो आपको लगेगा कि वो अच्छा काम करेगी, अच्छा प्रॉफिट देगी आगे, और आपको ही अगर उस पर भरोसा नहीं है तो आप उसमें नहीं रखोगे। सिंपल सी बात यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है, अगर पब्लिक के पास ज़्यादा शेयर है तो आप हमेशा उसको इग्नोर करो। चलो ये तो नॉर्मल एनालिसिस का पार्ट है, आप किस तरह से इसको एनालाइज करते हो। एंड देन आखिर में न्यूज़ अनाउंसमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग, यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट्स हैं, आप इसको एक बार देख सकते हो। जैसे आप एक बार खोल लेते हैं फाइनेंशियल 2022 किस तरह से एनुअल रिपोर्ट है, ये आप पढ़ लेना। जैसे अब नॉर्मली हम लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो उसके हिसाब से तो आप ये देख सकते हो कि क्या चल रहा है, किस तरह से है ये कंपनी, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है बैलेंस शीट आप पढ़ो। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट ही हमें कम टाइम के लिए करना है तो आई डोंट रिकमेंड कि इतनी बड़ी बैलेंस शीट आप पढ़ोगे, इतनी बड़ी एनुअल रिपोर्ट आप पढ़ोगे, और आपको एक नहीं कम से कम आप एटलीस्ट 10-15 स्टॉक्स देखोगे, तो उस हिसाब से एनुअल रिपोर्ट पढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा कम्बर्सम टास्क हो जाएगा। बट उससे आपको, उससे जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो आपको शायद यहीं पे सारी मिल जाती हैं, तो इसलिए ये मुझे अभी तक का बेस्ट लगा स्क्रीनर। और ऐसे ही आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे स्क्रीनर्स हैं जो मैंने पहले दिखाया आपको, कि आप कोई सा पिक कर लो। जैसे अभी कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग आपने सुना होगा, इसको देखते हैं इसमें क्या दे रहा है। अच्छा इसमें भी EKI एनर्जी है, ठीक है अच्छा, और कोई उठा लेते हैं TCS देख लेते हैं, TCS का क्या दे रहा है, फेस वैल्यू 1 है, करंट प्राइस इतना है, ROCE इतना है, ROE इतना है, हाई लो भी दे रहा है सेम, इसका मतलब आपको जितना भी एनालिसिस करना है सब इसके थ्रू ही मिल जाएगा। फिर आप अपने समझ के अकॉर्डिंग कंपेयर करो 4-5 शेयर्स को, एंड देन उसके बाद इन्वेस्ट करो। चलो ये तो रही बात एनालिसिस थ्रू स्क्रीनर, और अब जैसे कुछ टर्म्स हैं, ROCE क्या होता है, ROE का क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू क्या होती है, ये हम किसी नए वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, एंड हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, एंड थैंक यू।